दिशा न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करून आपल्या परिसरातील बातम्या सर्वात आधी पहा. नवीन पनवेल येथे श्रीराम चरित्र मानस अखंड पाठ संपन्न. पत्रकार मिलिंद खार पाटील यांच्या अंतर्गत 2 दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमात होम हवन, महाआरती, पत्रकार सन्मान सोहळा, सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न झाले. पत्रकार मिलिंद खार पाटील, आनंद गोळे, दीपक घोसाळकर, मयूर तांबडे, सुनील कटेकर, लक्ष्मण ठाकूर आदी पत्रकारांना कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पत्रकारिता केल्याबद्दल सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले. राम कथा जब हमने संस्था स्थापन किया था तब से ही हम कहते हैं जहाँ राम का नाम लेते हैं वो स्थिर हो जाता है, अर्थात राम का नाम माना स्थिरता. तो राम बहुत स्थिर हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं देवों में. तो स्थिरता के लिए मैंने ये किया कि राम 24 घंटे का अखंड रामायण होता है, इसमें हम हिलते भी नहीं. दीपक हमारा जलता है और पाठ चलता है माला, मतलब बहुत ये नियम का अपनाया. तो मैंने इसको इसीलिए शुरू किया, हम भी जीवन भर नियमों का इसी तरह से पालन करेंगे. संस्था का एक नियम होता है, हमारे संस्था का नियम है मानवता, आत्मनिर्भर और सबसे बड़ी बात है प्रकृति को बचाना, क्योंकि प्रकृति को बचाना बहुत ही बड़ी बात है. जिसके लिए कह तो रहे हैं कि उसको बचाने, कोरोना का तो वैक्सीन निकलने वाला लेकिन प्रकृति की कोई वैक्सीन नहीं निकलने वाली. तो इसके लिए हम लोग बहुत कार्य करते हैं, जल बचाना, पेड़ लगाना, 5 लाख पेड़ों का मेरा प्लान है. अभी 13,000 हम लगा चुके हैं और लगाए कहाँ हैं आपको बताते हैं. हमने अधेरे के पहाड़ों पर लगाया, यहाँ पर एक हलस वाली वहाँ पे हम लगाते हैं, फिर इधर आगे के साइड. अच्छा, एक आपके महाराष्ट्र में बहुत सुंदर पेड़ आता है, वो कहीं भी लगा दीजिए बारिश के दिन में, वो अपने आप उसको आग भी लगा दीजिए खुद ही वो निकल जाता है. तो हम अपनी गाड़ी में वो पेड़ रखते हैं कि पूरा उसको पेड़ को हम रखते हैं, कार से भी चलते रहे, रोड में कहीं पहाड़ में उसी जाते हैं घर से मार रहे हैं. तो ये जो हमारे प्रकृति बचाने का तरीका, एक मैंने वहाँ लगाया है फोटो आप देखिएगा, हम लोग पहाड़ पे हम लोग पेड़ लगा रहे हैं अर्थात, और नीचे मैं देखी आप पहाड़ों पर पेड़ लगाओगे तो जमीन पर जल आए, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है. और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जल बचाने के लिए हमने 2-3 बार किया. अब मुझे सोसाइटी से अगर सपोर्ट, मतलब अर्थात सोसाइटी माना हमारे आमदार साहब हैं, खासदार साहब हैं, सरकार है, जब सरकार थोड़ा साथ देगी तो हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं. और मैं कर रही हूँ, फिर अपने महाराष्ट्र में कभी पानी की कमी नहीं हो सकती, इतनी बारिश यहाँ अच्छी होती है और उस पानी को हम संरक्षण करेंगे. अलग मेरा मिशन है योग, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हमें कोई पूछेगा दुनिया, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमें दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है. यहाँ तक कि मेरा खुद ये आत्मा है वो भी मुझे नहीं पूछेगी, इसलिए मैं स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान देती हूँ. इसलिए योग हमारा नियमित करता है और हमारे यहाँ छोटे बच्चों को हम ये सिखाते हैं. गर्भ संस्कार मेरा सबसे है, गर्भ से ही हम बच्चों को योग सिखाना शुरू करते हैं. गर्भ के अंदर ही एक दिन का पता चला कि माँ को गर्भवती है, जिनसे हम लोगों को बताने लगते हैं और उन सबसे संस्कार भी करना होता है. और तीसरी बात है कि दान देना, दान हम देते दिया कब दिया, जब कोविड में जरूरत था, लेकिन अब हम उनको दान नहीं देते, उनको हम बोलते हैं अब आप काम करो. खाना खाते तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे आप बोलो कि अभी देखो नहीं, कोविड में हमने 7 महीना 100 लोगों का खाना प्रतिदिन खिला और सूखा रहा था. गणपति हमने 101 घरों में जिनके यहाँ से दीपक जलाना था उन्होंने 101 घर में हमने जा के उन लोगों को मैंने फोन बोला था, उन्हें किया था उन्होंने फोन, और उन लोगों को हमने घर घर जाके पूरा गणपति का जितना सामान होता है ट्रेडिशनल वो सारा सामान देखिए, पूरा सामान देखकर ज़्यादा नहीं था 11-12 तक. और हमने जो है हमारी सभी लेडीज ने जैसे लोगों को किया था वहाँ पर उनके गणपति गणपति, क्योंकि गणपति को रोजा करना बहुत बड़ा पर्व है और उन्हें तो मूर्ति को गए हम गणपति कर ही नहीं पाएंगे. ये हम लोगों ने किया, मतलब किसी तरह किसी के चेहरे पे खुशी, जीवन बड़ा आनंद. युवाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि कभी भी जीवन से निराश आपकी जिंदगी होना चाहूंगी. मेरे यहाँ एक और टमाटर 1 किलो उसको टमाटर खरीद के दिया, आज वो टमाटर की आज खो गई, टमाटर खरीद के पूरा बड़ा उपयोग